नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूँ किशन चंद। जी हाँ दोस्तों, रक्षा बजट हाल ही में पेश किया गया है। आपको बता दें कि ये रक्षा बजट पेश किया गया है, वो रक्षा बजट पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा है। जी हाँ, कहा जाए तो 7.81% अधिक है। आपको बता दें कि ये जो रक्षा बजट है वो हमारी GDP का 1.58% है। सेना को इस साल 2.95 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से 9,947 करोड़ रुपए तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियार, जंगी जहाज और विमानों की खरीद के लिए भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो राशि है उसको वेतन और रक्षा संस्थानों के रखरखाव के लिए लगाया जाएगा। आपको बता दें कि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। एक बात जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है, रक्षा बजट जितना पेश किया जाता है वैसे ये उससे कई ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि ये हर देश में ऐसा ही होता है कि रक्षा बजट जितना बताया जाता है उससे अधिक ही उसको रखा जाता है, क्योंकि ये हर देश के अपने आंतरिक मामले होते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो अगली खबर आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है। जी हाँ, चाइना के नेवी में शामिल किया गया है एक ऐसा जहाज जिस जहाज का नाम है यंगशान। इस युद्ध पोतक जहाज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लगी हुई है जो अत्याधुनिक मानी जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन 7000 किलोमीटर प्रति मील की अनुमानित गति से 150 किलोमीटर से अधिक दूरी की चीजों को प्रोजेक्टाइल की मदद से अलग करके उस मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करती है जिससे दूर की चीजों को जलाया जा सकता है। जी हाँ, अमेरिका की नौसेना इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम कर रही है, लेकिन उनको अभी तक इसकी कोई सफलता नहीं मिल पाई है और ऐसा वो कोई जहाज नहीं बना पाया है जो कि चीन ने बनाया है। आपको बता दें कि चीन ने 1980 के दशक से विद्युत चुंबकीय हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया था। ये रेलगन बनाने का मतलब हो गया है कि चीन अन्य देशों से रक्षा के इस एडवांस सिस्टम से आगे निकल चुका है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप उसको थम्स अप देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। टेक्निकल अस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।